सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि लास्ट 10 दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल काम में फंसा हुआ था। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, व्लॉग नए पे नए आते रहेंगे और हम आपको ऐसे ही नई नई जगह को दिखा के एंटरटेन करते रहेंगे। तो अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि लास्ट 10 दिन से मैंने कुछ भी व्लॉग के ऊपर काम नहीं किया है। तो ऐसी कोई जगह हमें नहीं पता है जहाँ को हम एक्सप्लोर कर सके जाके। तो हम लोग रैंडम ट्रिप पे निकले हुए हैं। अब चलते इस रास्ते में कौन कौन सी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं उसका पता करते हैं और देखते चलते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड लेट्स एक्सप्लोर। 3, 2, 1 गो। अभी हम खड़े हैं वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पे। आप जो पीछे टोल देखते हैं, इस टोल को आप क्रॉस करेंगे तो आप शक्तिनगर जाएंगे। हम लोग पिछले एक घंटे से बाइक चलाए जा रहे हैं कि कोई अच्छी जगह मिल जाए, कोई अननोन जगह मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो आपको आज पता चला होगा कि व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल है अगर आप अननोन और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को खोज रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस्मत में क्या होता है, आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। सो स्टे ट्यून। हम लोग घूमते घूमते बाइक चलाते चलाते आप पहुंचे हाथीनाला तिराहा, जैसा आपके देख सकते हैं साइड में। और इतना ड्राइव करने के बाद भी अभी तक हम लोग को कोई भी जगह नहीं मिली जिसको हम एक्सप्लोर कर पाए। तो जब आपको कोई रास्ता ना दिखे तो अंतिम रास्ता आपको भगवान के चरण में दिखता है। तो सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर, पहले वहाँ दर्शन करते हैं, तब शायद कुछ रास्ता पता चल जाए कि कहाँ चलना है अगला स्टेप का। तो चलिए चलते हैं। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि हाथीनाला तिराहे में है। तो ये हनुमान जी, आज मेरा ब्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। भगवान भी साथ ना दे तो अंतिम रास्ता पर यही होता है कि यहाँ के लोकल से जाने। तो फ्रेंड्स हमें एक जगह पता चल गई है, जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ के लोकल से पूछना सबसे सही होता है, क्योंकि लोकल को एकदम अननोन जगह पता होती है उनके आसपास की। हमें एक पार्क के बारे में पता चला जो कि बहुत यूनिक है। आगे चलते और मिलते हैं वहाँ पर और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। दोस्तों अगर आप शिद्दत से चाहो तो आपको कोई ना कोई जगह ज़रूर मिल जाती है। इतना खोजने के बाद, इतना दौड़ने के बाद जंगलों में बसा हुआ एक हमें बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है जिसका नाम है हाथीनाला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
और इसको इको डाइवर्सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। अंदर क्या क्या होगा हमें खुद नहीं पता, तो आप और हम दोनों लोग चलते हैं, इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हाथीनाला बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर। ये बायोडाइवर्सिटी फेमस है यहाँ की प्लांट स्पीशीज़ के लिए, ना कि एनिमल स्पीशीज़ के लिए। तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिख जाएंगे, जैसे आपको पूरा दिख रहा होगा, और हर प्लांट के ऊपर ग्रीन कलर का बोर्ड रखा हुआ है और उस पर बताया गया है कि ये कौन सा प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये प्लांट स्पीशीज़ के लिए भी फेमस है, और यहाँ पे और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ हैं, वाटरफॉल है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बस स्टार्ट रुकना होगा।